मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे सख्त लहजे में कि अवैध रूप से शराब बेचने वालों पर कार्रवाई करें, वह आप निडर और निसंकोच होकर कार्रवाई करें। हर हाल में अवैध शराब पर अंकुश लगाना है, अधिकारी जाने कैसे लगाना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश मिलने के बाद उज्जैन पुलिस हरकत में आई और अब अलग अलग थाना क्षेत्र से लाखों रुपए कीमत की शराब जो महुआ केमिकल डालकर बनाई जाती थी, उक्त शराब के ठेकों पर पुलिस ने कार्रवाई की। यहाँ से शराब जब्त की, साथ ही प्रकरण दर्ज कर आरोपी युवकों को गिरफ्तार भी किया गया है। अवैध शराब का धंधा पूरी तरह से नष्ट करना है। जिले के अधिकारी अगर ठान ले तो कौन को पता नहीं चलेगा कि कहां बिक रही है, कहां बन रही है और कहां से आ रही है। यह नहीं हो सकता। जवाबदारी कलेक्टर, एसपी, आबकारी अधिकारी और उनके ऊपर कमिश्नर और आईजी की भी होगी। और इसलिए पूरी तरह से इनको साफ करना है। कैसे करना है आप लोग सोचो। मैं इतनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, धन्यवाद। किस प्रकार से नशाखोरी और शराब के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, किस प्रकार से क्या है? प्रदेश स्तर पर अवैध शराब के खिलाफ में जो अभियान चल रहा है उसके तहत कल दिनांक 18 जनवरी को देहात के 15 थानों में लगभग 14 प्रकरण अवैध शराब के खिलाफ और कच्ची शराब के खिलाफ पंजीबद्ध किए गए हैं, जिसमें लगभग 200 लीटर सभी थानों में मिलाकर के लगभग 200 लीटर के आसपास शराब जब्त की गई और 14 प्रकरण बनाए गए। सर, आगे भी किस प्रकार से निरंतर मुहिम रही जारी कि अपराधियों पर कार्रवाई होती रहे और नशे पर अंकुश कसा रहे? बिल्कुल, नशे पर रोक लगाने के लिए ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और जिस तरह से ऐसी कार्रवाई की गई निरंतर हम लोग करेंगे और अभियान के बाद भी ये कार्रवाई उज्जैन जिले में निरंतर जारी है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।